नमस्कार जी, जिसके आपत्तिजनक स्थान में सबसे बड़ा बात केजरीवाल। आज मेरी आंखें छलक गई जब मैंने याद किया जवानों को। वो 16 दिसंबर ही था, 16 दिसंबर 1971, जब भारतीय जवानों ने पाकिस्तानी सेना को मुंह तोड़ जवाब देते हुए उन्हें घुटनों पर ला दिया था जी। उन सभी जवानों को जो शहीद हुए थे उनको मेरा नमन, और उन बहादुर जवानों को जो जिन्होंने कारनामा किया अंत में, उनको भी नमन करते हुए, मैं उनको याद करते हुए कहता हूं कि आपने जो किया वो कोई और नहीं कर सकता था जी। जो शहीद हुए हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जो कार्यरत रहे उस क्षण पर जब पाकिस्तानी घुटने पर थे, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन सैनिकों को, भारतीय सैनिकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जिस तरीके से वहां पे उन लोगों को खदेड़ा, जिस तरीके से विषम परिस्थितियों में भी आपने अपना धैर्य नहीं खोया, पराक्रम नहीं खोया, और अपने आप को पूरी तरीके से झुलसा दिया, झोंक दिया उस युद्ध में, और अंत में विजय प्राप्त करके आप ऊपर निकले, मेरी तरफ से आपको हैट्स ऑफ है। तो आज करना क्या था सिसोदिया, बता तो दे। सबूत मांगने क्या 71 के? अब तब के सबूत कहाँ लाएंगे ये? ओ अच्छा अच्छा नहीं, एक्चुअली क्या है, माफी चाहता हूँ, हम लोग क्या है ना, मैं तो खासतौर से सेना से हमेशा सबूत ही मांगता रहता था कि वो वहां पे जब पाकिस्तान में उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की थी उसके लिए, वो पुलवामा के बाद जो कुछ हुआ उस पे, सब चीजों पे मैंने ही सबसे पहले बोला था कि भाई आप हमें सबूत दो, सबूत दो, सबूत दो। हालांकि तो सबूत इस बात का भी नहीं है कि मैं एक अच्छा इंसान हूं या नहीं हूं, मैं नटवर लाल ही हूं वैसे तो, पर कोई बात नहीं जी। मैं उन सैनिकों को अपनी तरफ से बहुत बहुत, जो शहीद हो गए उन्हें श्रद्धांजलि, और जिन्होंने हमारे को यहां पर सुरक्षित रखा हुआ उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं यही बोलूंगा जी कि कल परसों भी मेरे को किसी ने बोला था कि आप तो हर बात में सबूत मांगते हैं, सेना के ऊपर भी आप ये करते हैं, तो मैंने कहा चलो एक वीडियो सेना पे भी बना देता हूं, दिल से थोड़ी बना रहा हूं। अरे ये तो सिर्फ इसलिए कि चलो भाई चुनाव आने वाले हैं, तो मैंने कहा चलो बना देता हूँ कुछ वीडियो वगैरह, वरना तो आपको पता ही मैं किस तरीके का आदमी हूँ, शराब घोटाला, दवाइयों में घोटाला, शिक्षा में घोटाला, सब चीजों में घोटाला करने वाला ये घोटाला नंद, मतलब ये नटवर लाल केदरी का बाल, ये क्या करेगा मुझसे। तो मेरी बीवी भी बोलती है कि आप मेरे पति हैं, ये मैं सच बोल रही हूँ, लेकिन मैं आपकी पत्नी हूँ, क्या आप ये सच बोलते हैं? मैं कभी कमाल करती हूँ सरिता, तुम अजीब सी बातें करती हो। ओ सुनीता सॉरी। तो वही वाली बात है जी, ये बहुत बड़ा पर्व है हमारे देश के लिए। अच्छा मुद्दे पे ही रहूं। अच्छा ये बहुत बड़ा पर्व है जी हमारे देश के लिए, जब हम अपने सैनिकों की उपलब्धियों को याद करते हैं जी बिना सबूत मांगे, वरना हम तो सिवाय एक चीज के कि मैं मुख्यमंत्री कैसे बनाऊं उसके सबूत देता हूं, मेरे पास खुद के पास सबूत नहीं होते हैं। पर घोटालों के मेरे पास सबके सबूत हैं, लेकिन मैं दे नहीं सकता क्योंकि मैं फंस जाऊंगा। पर मैं ये बात जरूर कहूंगा जी कि भारतीय सेना जो है अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, उनकी वजह से हम सुरक्षित हैं। ठीक बोला मैंने? कोई दिक्कत तो नहीं ना? ऐसा लग रहा है ना सच बोल रहा हूं? और इमोशन, भारतीय सेना मैं आपको सल्यूट करता हूं कि आपने वहां पे जो जिम्मा उठाया है, इतनी दूर अपने घरों से आप रहते हैं, और मुझ जैसे को बचाने के लिए, मतलब हम जैसे लोगों को बचाने के लिए आप लोग वहां बैठे हुए हैं, बहुत बड़ी बात है।
हमारे पास कोई फोटो वगैरह नहीं है कि ताकि हम अपने लोगों को दिखा सके आप कितनी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में रहते हैं, सबूत नहीं है ना हमारे पास, पर विश्वास है। पर विश्वास भी कहाँ है, विश्वास को तो मैंने भगा दिया था। चलिए खैर जो भी है हमारे पास, पर हम आप पे एतबार करते हैं, पर आप हमारे पे एतबार कभी मत करना, क्योंकि हमें ऐसी चीज है ही नहीं कि जिन पे एतबार किया जाए। केजरीवाल, मेरे बच्चे तक तो विश्वास नहीं करते, आप क्या करेंगे। पर धन्यवाद आपकी सेवाओं के लिए जो हम लेते हैं आपसे, बहुत बहुत शुक्रिया।